हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम हाजिर हैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के पहले सीरीज के साथ। हम आज से स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। जॉब इंटरव्यू आपके शुरू हो चुके हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और आप लोगों के जो मेल आए मुझे रिसीव हुआ कंस्ट्रक्शन के बारे में, स्पेशली सीमेंट मिक्सर के बारे में, तो आज जो हम चर्चा करेंगे सीमेंट मिक्सर के बारे में, सीमेंट मिक्सर से जो हैजर्ड्स जनरेट होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट क्या होती है और उनका मतलब क्या होता है, उनसे कंट्रोल कैसे करें, आज इस टॉपिक में, इस सीरीज़ में हम बात करेंगे ओनली कंस्ट्रक्शन सेफ्टी स्पेशली सीमेंट मिक्सर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है सबसे ज़्यादा आप देखते हैं सीमेंट का वर्क होता है। तो सीमेंट वर्क का जब वर्क होगा तो सीमेंट को मिक्स करने के लिए, सीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो सके, जारी चल सके, तो उसमें हमें मटेरियल तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम मटेरियल तैयार करने के, जिसमें हम सीमेंट बालू और भी जो मटेरियल्स डालते हैं उसको तैयार करने के लिए, क्योंकि मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो उन्हें तैयार करने के लिए हम मैन्युअली तैयार नहीं करते हैं, उसे हम किसी न किसी मशीन के द्वारा तैयार करते हैं। तो वहाँ पे जो हैजर्ड जनरेट होते हैं वो हैजर्ड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम सीमेंट मिक्सर से उठाएं, सीमेंट मिक्सर क्या करता है, मिक्स करने का काम करता है सीमेंट को, जिसे बालू को एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित क्वांटिटी में बालू, जिसे आप सिलिका भी कहते हैं, बालू, वाटर एंड सीमेंट को एक रेशियो में मिक्स करके आपको मटेरियल तैयार करता है, जिससे आपकी क्वालिटी कंट्रोल वगैरह भी बेस्ट रहे, ये सारी चीज़ें। तो इस दौरान अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम 11 पॉइंट्स पे बात करेंगे, 11 बिंदु पे बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और वहाँ पे हैजर्ड्स कैसे जनरेट हो रहे हैं और कैसे उनसे बचना है, ये तमाम बात। आपसे इंटरव्यू लेने वाला जब भी आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर करता है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से अगर आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे डेफिनेटली इस तरह से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं इजेक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है। पहला पॉइंट होता है इजेक्शन ऑफ मटेरियल, दूसरा पॉइंट होता है इंटेंगलीमेंट ऑफ मूविंग पार्ट, केमिकल हैजर्ड, इरिटेंट एंड कोरोसिव, इनहेलेशन ऑफ डस्ट, नॉइज, इलेक्ट्रोक्यूशन विथ इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्टैक्ट विथ डीजल, कॉन्टैक्ट विथ फ्यूम, कॉन्टैक्ट विथ डीजल पावर एंड मैनुअल हैंडलिंग। ये 11 पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए क्या बने हुए हैं, एक तरह के नुकसानदायक बने हुए हैं, ये एक तरह से हमारे लिए क्या है, हैजर्ड्स हैं, सीमेंट मिक्सर हैजर्ड्स हैं, ये 11 पॉइंट। अगर कोई पूछे कि सीमेंट मिक्सर का 2 हैजर्ड्स बताइए, सीमेंट मिक्सर के लिए या कंस्ट्रक्शन लाइन में 2 कुछ ऐसे हैजर्ड्स बताइए जो सीमेंट से रिलेटेड हो, तो सीमेंट मिक्सर क्या है, एक तरह का इक्विपमेंट है, एक तरह का एक ऐसा मशीन है जो हमें सीमेंट की मटेरियल को तैयार करता है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इजेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंटेंगलीमेंट ऑफ मूविंग पार्ट्स, जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं उनमें फंस जाना। केमिकल हैजर्ड्स, सीमेंट क्या है, सीमेंट इज ए टाइप्स ऑफ केमिकल, अगर केमिकल है तो वो नुकसान करेगा ही करेगा, स्किन पे लगेगा, स्किन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपको स्किन डिजीज हो सकता है, ठीक है। स्किन डिजीज के साथ साथ और भी इसके सिम्टम्स आने लगते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, जो वर्कर के लिए, एम्प्लॉय के लिए काफ़ी हार्मफुल और डेंजरस भी होते हैं। इरिटेंट एंड कोरोसिव, जलन होना, ठीक है, जलन होना और उस तरह की चीज़ें उत्पन्न हो जाना उसके कॉन्टैक्ट में आने से सीमेंट के केमिकल और केमिकल्स में। इनहेलेशन ऑफ डस्ट, सांस लेने के साथ, सीमेंट चूंकि बारीक कण होता है तो आप सांस लेते हैं, आप ब्रीदिंग के साथ ये डस्ट आपके फेफड़ों में जा सकता है, और जब आपके फेफड़ों में ये डस्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। नॉइज,
आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा साउंड होना, आवाज़ होना, यह भी ये सीमेंट मिक्सर से जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन विथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो कि पूरा पावर्ड होता है, जुड़ा होता है, कई वहाँ पे कई प्लांट्स जुड़े होते हैं जो वर्क करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है, वहाँ पे शॉक लगने की भी संभावना होती है। कॉन्टैक्ट विथ डीजल, अगर डीजल के कॉन्टैक्ट में हम आते हैं तो भी हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये हेडक हो सकता है, वोमिटिंग्स हो सकती है, तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ जनरेट होते हैं। कॉन्टैक्ट विथ फ्यूम, जहरीली गैस या जो गैस होता है, जब भी सीमेंट की मिक्सिंग की जाती है वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जहाँ से फ्यूम्स भी बनने की संभावना होती है, वो फ्यूम हमारे लिए, बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। कॉन्टैक्ट विथ डीजल पावर्ड, जो डीजल के द्वारा पावर्ड जो इंस्ट्रूमेंट को चलाया जा रहा है वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी बात, मैनुअल हैंडलिंग, तो मैनुअल हैंडलिंग के बारे में आप जान ही रहे हैं, जब मैनुअल हैंडलिंग भी हो सकता है। तो ये 11 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीमेंट मिक्सर से और उससे रिलेटेड पावर्ड इंस्ट्रूमेंट से या प्लांट से जनरेट होते हैं और उन्हें जानना जरूरी होता है। आपसे पूछिए 11 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिए और उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए। हर एक चीज़ के को समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश ना करें। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है, ऑल्सो इग्नोर द रट्टा टेक्निक, रटने की ज़रूरत नहीं है, जो समझ में आता है समझिए और फिर उसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, बट पॉइंट्स वही होने चाहिए, फैक्ट वही होने चाहिए। तो अभी तो हमने बात किया सीमेंट मिक्सर हैजर्ड्स की, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। अब कंट्रोल करने की बात पे आते हैं, तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे पास है। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में अगर सीमेंट मिक्सर हैजर्ड्स को कंट्रोल करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो क्या क्या हो सकते हैं वो पॉइंट्स, चलिए देखते हैं। पहला, गार्ड, प्रॉपर यूज किया गया हो गार्ड का। गार्ड क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्टर होता है जो हमें उन हैजर्ड के संपर्क में आने से बचाता है। गार्ड टू प्रिवेंट एसएस के दौरान, यानी जब मशीन कार्य कर रही हो तो उस समय भी गार्ड हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। इसके बाद से पीपीई होता है, जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, ग्लव्स का होना, गॉगल का होना, ठीक है, और ओवरऑल और भी चीज़ें होना, फुल बॉडी का, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका इक्विपमेंट होना, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। इसके साथ साथ यूज ऑफ आरपीई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरपीई का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूज ऑफ ईयर डिफेंडर, ईयर डिफेंडर का प्रयोग भी हमें नॉइज से रोकता है, ईयर डिफ किससे रोकता है, आवाज़ से, ये कान के लिए हमारे काफ़ी फायदेमंद साबित होता है, तो यह कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ आरसीडी, ये भी मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ आरसीडी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होता है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। एडिक्यूट वेंटिलेशन, प्रॉपर वे में वेंटिलेशन, हवा का आवागमन का जो मार्ग होता है वह प्रॉपर वे में होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सेफ स्टोरेज ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स स्टोर किए गए हैं प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, वो उनका स्टोरेज जो है सेफ हो, ऐसे जगह पे हो जो ऐसे जगह पे हो जहां से वो कांटेक्ट में न आते हों, या किसी एम्प्लाई या किसी वर्कर। इसके बाद आता है मैकेनिकल लिफ्टिंग एड्स, जो मैकेनिकल मैकेनिज्म के द्वारा जो लिफ्टिंग प्रोसेस है वो भी आपका काफ़ी उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उससे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। रिडक्शन ऑफ सीमेंट बैग साइज, वो जो सीमेंट बैग साइज है उसको रिडक्शन किया जाए, कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है, साइज को, और उसके बाद काम हो, तो यह भी एक फैक्टर में भी हो सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग, जितने लोग सीमेंट मिक्सर के साथ या कंस्ट्रक्शन सेक्टरी में वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग है तो आप बेस्ट वर्क कर सकते हो और इन हैजर्ड से आप बचाव भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप एक बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में जो लोग भी हैं काम करने के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं या पढ़ाई पूरा कर लिया है,
आपने डिप्लोमा या निवेश पूरा कर लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, ये जाननी होगी। हम जो भी बात कर रहे हैं उन सब का वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा, इस चीज़ को समझें और जानें। कंप्लीट ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी आपके पास, अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते या वहाँ पे, तो आप जो है इन सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, लाइक HSA डिप्लोमा कोर्स, इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी कोर्स, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, हाउ टू पास जॉब इंटरव्यू, निवोस क्रैक कोर्स, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्वेश्चन आंसर बैंक, तो ये सारी चीज़ें मे बी पॉसिबल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बेहतर करें और जॉब के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।